ज़्यादा डर गई, मतलब इमेजिन करो सांप। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह यहाँ पर मैं आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो अभी क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा है विटामिन डी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, तो एवरी डे आप मॉर्निंग में धूप में वॉकिंग करो। बाय द वे, ये सुबह 7 बजे का ही टाइम हो रहा है और लग रहा है कि 9 बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे। तो सुबह 7 बजे तक बस आ जाती है, और उसके बाद मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा पार्क में प्राणायाम वगैरह कर रही थी, अनुलोम विलोम कर रही थी, थोड़ा बहुत योगा भी बैठ के मतलब कर लिया, और ट्राइपॉड नहीं ले गई थी, अच्छे शूट नहीं कर पाई। एंड या आपके साथ में आज बहुत ही हेल्दी एंड मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये इडली का। इससे पहले भी मैंने शेयर आई थिंक ये कर रखा है, बट काफ़ी टाइम हो गए हैं, तो आई थॉट कि चलो आज एक बार और इंस्टेंट सा ये रेसिपी है इडली का, तो चलो बना लेते हैं। तो अगर आपके घर में ना बच्चे हैं ना स्पेशली, तो आप ये ज़रूर डालना, कैरेट्स एंड बीटरूट, वो भी इस तरीके से ग्रेट करके, क्योंकि ना ये बहुत ही फाइन ऐसे ग्रेट हो जाता है, और ऐसा नहीं कि बच्चे निकाल देंगे, बच्चों को ऐसे निकालने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप ग्रेट करके डालोगे तो उन्हें पता भी नहीं उतना चलेगा। तो यहाँ पर मैंने सूजी को पहले ही भिगो दिया था दही डालकर, सूजी में मैंने दही डालकर और पानी डालकर भिगो दिया था, और बस इसमें वेजिटेबल मिक्स करने के बाद ना मैंने सॉल्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया, और इसमें ना और भी टेस्ट मतलब आने के लिए बहुत ही अच्छा बन जाता है। इस तरीके से तड़का अगर आप दोगे तो सरसों के तेल में मैंने बस चने दाल और उड़द दाल और कड़ी पत्ता इन सब का तड़का दिया था, बहुत ही यम बन जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर इस तरीके से तड़के वाला नहीं बनाए तो। इस तरीके से तड़के डाल के अगर आप 5 मिनट और छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा हो जाता है, और ना सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि ये ना मुँह में जो बाइट आता है ना दाल का, बहुत ही एक अलग सा टेस्ट आता है, बहुत ही यम होता है। तो एक बार ज़रूर बनाना, और बस सभी में लास्ट में बस जब हमें इसको डालेंगे ना उससे पहले इनो डाल देना है, और इनो डाल के मिक्स करते ही हमें फटाफट से इसके अंदर मोल्ड में डाल देना है और इसको स्टीम के लिए चढ़ा देना है। पानी ऑलरेडी मैंने पहले ही डाल दिया था, क्योंकि ये सारा प्रोसेस इनो डालने से पहले ही आपको करना पड़ेगा। तो ये आई थिंक सभी को, इडली बनाना तो सभी को आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ सबका थोड़ा बहुत कुछ अलग होता है, किसी कोई कुछ तरीके से बनाता है। मैं मोस्टली इसमें बीटरूट एंड कैरेट्स ज़्यादातर डालती हूँ, तो क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद आता है इस तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं बनाऊँगी चटनी, और ये मैंने लिया है चटनी के लिए। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पर जो पीनट है उसको भून लूँगी मस्टर्ड ऑयल में, उसके बाद मैंने इसमें डाला है चने का दाल, उसके बाद मैंने गार्लिक और जिंजर थोड़ा सा डाल दिया फ्लेवर के लिए, लास्ट में हम इसमें उड़द की भी जो वाइट वाली उड़द वाली दाल होती है वो भी डाल के भून लेंगे। बस उसके बाद भून जाएगा तो मिक्सर जार में ना कोकोनट चॉप करके डाल देंगे, और उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है और 2 ग्रीन चिली डाल दिया है, एंड पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ग्रीन चिली मैंने बाद में और डाला था, क्योंकि बच्चों के लिए पहले उतना नहीं डालती हूँ मैं, धीरे धीरे उनको स्पाइसी खिला रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो वैसे भी खाना कोई अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर मैंने इडली भी देखा तो हो गया था ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर बस सिंपली मैंने चटनी को कोकोनट चटनी को लास्ट में तड़का दे दिया है, जैसे राई से कड़ी पत्ता से तड़का देते हैं ना लास्ट में। मैंने अपने वाले में मिर्च भी डाला था चटनी में, बच्चों वाले में नहीं डाला था, और बस इसको हम सर्व कर लेंगे। और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, और मुझे लगता है कि अगर आपके पास दाल भी गोया हुआ नहीं है तो आई थिंक सूजी भी एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा आप रागी जो आटा होता है ना, रागी आटा का भी बना सकते हो, मक्के आटा का भी बना सकते हो इडली। बहुत जल्दी मैं आपके साथ वो वर्ज़न भी शेयर करूँगी, बट अभी फ़िलहाल यही वाला बनाया था। और उसके बाद मैं सुबह सुबह यहाँ पर हस्बैंड ने कपड़े जो है वो वॉश कर दिए थे मेरे, मतलब मैं थोड़ा सा लेट गई थी, सोई नहीं थी, मतलब बच्चों को छोड़ के आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, आकर पानी वगैरह पीती हूँ, और कह सकते हो मेरा मतलब मी टाइम होता है। उसके बाद हस्बैंड ने कपड़े जो थे वो लगा दिए थे, तो हस्बैंड अभी घर पे ही थे आज, तो यहाँ पर हम दोनों मिलकर कपड़े डाल रहे हैं और कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ पर आ जाती हूँ मैं, वही हस्बैंड से कह रही थी एक बार और धूप में बैठ जाऊँ क्या। मैंने कहा अगर बैठ जाऊँगी तो फिर मेरा और काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा वीडियो का भी आज का मतलब बनाना था, तो मैंने सोचा नहीं टाइम और नहीं वेस्ट करूँगी। सुबह ऑलरेडी मैंने 1.25 घंटा आई थिंक पार्क में बैठी थी मैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़े प्लांट्स को देख रही थी, कुछ कुछ सूखे पत्ते गिर जाते हैं ना ऊपर से अमरूद के, तो वो सारी चीज़ें मैं हटा रही थी, और
कुछ कुछ अभी हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी, ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ। मैंने कहा था कि ये यार ये गंदा सा बेड सामने दिखता है, तुम यहाँ पे क्यों नहीं कर्टेन लगा रहे हो ग्रीन वाले, एक्स्ट्रा हमारे पास पड़े हुए हैं। पर क्या बोलूँ मैं, कोई काम अगर अपने हस्बैंड के भरोसे रहती हूँ ना तो वो काम डिले मतलब एक दो दिन चार पाँच दिन नहीं होता है, वो महीनों महीनों डिले होता रहता है। तो मैं इसीलिए कुछ भी काम खुद ही कर लेती हूँ फटाफट से। और यहाँ पर कुछ कपड़े फोल्ड कर रही थी तो इतने में ध्यान भी आ गया, बाय द वे ये कपड़े कल के थे, तो यहाँ पर ध्यान भी आ चुका है। और कुछ कपड़े जो थे कल के इसको पहले फ़ोल्ड कर लूँगी, इवनिंग में फिर मैं दोबारा फ़ोल्ड करती हूँ कपड़े जो आज के थे वो। और ध्यान सारी चीज़ें बता रहा था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैम ने मुझे चॉकलेट दिया, मैंने आज अच्छे से क्लास में बिहेव कर रहा था, सब कुछ मैं मतलब मैं सब कुछ सिखाती रहती हूँ ध्यानश को कि किसी को हिट नहीं करना है, बी काइंड, और अगर कोई कुछ लाता नहीं तो शेयर करना है चीज़ें अपनी, ये अच्छी बात होती है। तो मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर आई थिंक। तो उसका क्या मतलब वो हुआ आपको धीरे अभी पता चलेगा आगे व्लॉग में। तो मतलब बच्चे इतने ज़्यादा भी शरीफ नहीं बनाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग ये भी देना चाहिए, अगर कोई आपको मारता है कोई तो आपको भी चुप नहीं रहना है, ये नहीं कि मार खा के आ जाओ। तो आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगी व्लॉग में। ध्यान को किसी ने बहुत ज़्यादा आँखों में ना मिट्टी डाल दी और उसने कुछ भी नहीं बोला, तो अभी मैं दिखाऊँगी। और यहाँ पर मेड ना वो अपने आप को देख रही थी, मेरी जो हाउस हेल्पर है ना, कि मैं एक्चुअली मैं ऑन करके रिकॉर्ड चली गई और ध्यानश मतलब चिल्लाने लगा, तो उसकी आंखों में देख सकते हो मिट्टी मैंने वॉश कर दिया, काफ़ी मिट्टी था। तो काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ध्यान को मैं बार बार मना करती हूँ, अगर तुम्हें कोई इतना परेशान करता फिर क्यों ऐसे बार बार जाते हो खेलते हो। तो मतलब उससे क्या होता है ना, अगर कोई कुछ कर दे तो इतना सीधा है ना, मतलब मेरे दोनों बच्चे क्यों कुछ बोलते नहीं हैं, तो इतना भी सीधा नहीं बनाना चाहिए बच्चे को। तो उसका एक फ्रेंड है, उसने ना उस इतनी मिट्टी भर दिया था, सामने ही एक भाभी उसका बच्चा है डुग्गू, तो वो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी डाल दिया था। सांप दिखा भी, मुझे यहाँ पर रुका और यहाँ पर तुम्हारी गेंद, मुझे तुम्हारी गेंद चाहिए, ये होगा। आपने गलत भी लिखवा दिया। तो एक्चुअली नीरव को मैं पढ़ा रही थी तो मैं जल्दी जल्दी मैं कुछ उसको बता दी, बट वो चीज़ वो मतलब स्कूल से आज पढ़ के आया था तो बाद में उसे ध्यान आया कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो मुझे ऐसा बता रहा था समझा रहा था, मुझे रियलाइज़ ओ माय गॉड क्या मैं बता दी इसे, थोड़ी सी मतलब मिस्टेक हो गई थी। तो हिंदी है ना, थोड़ा सा हिंदी में हो जाता है यार। तो यार हिंदी को लेकर मुझे ऐसा लगता है अभी से इतना टफ है, पता नहीं आगे क्या होगा इन लोगों का सिलेबस में। तो उसके पिताजी ने उसे देखो, उसके देखो उसके पिताजी ने उसे ठीक बोल दो कि ना नीरव अभी पढ़ाई कर रहा है, बोला भी नहीं आगे पढ़ रहा है। तो ये अभी इवनिंग का टाइम था, मैं दोबारा इवनिंग वाले कपड़े जो सूख गए थे ना उनको ही फोल्ड कर रही हूँ और नीरव अपना थोड़ा वर्क कर रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो अभी इवनिंग का टाइम है और कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, नीरव अभी अपना थोड़ा होमवर्क कर रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ बातें कर लेती हूँ। एक्चुअली आफ्टर मैं आज मैं लंच शेयर करने वाली थी बहुत कुछ अच्छा, लेकिन हुआ ये कि उसी वक्त उसी टाइम में लंच के टाइम में ही जब मेरी मेड झाड़ू लगा रही थी, पोछा लगा रही थी, तो उसी वक्त हमारे किचन में किचन के गेट पे एक स्नैक दिखा, छोटा सा था, बहुत छोटा था, बच्चा था स्नेक का।
तो मैं मतलब उसी वक्त से इतना ज़्यादा मैं काँप रही थी ना कि मैं क्या बोलूँ। तो रमेश को खेलना अच्छा लगता है? रमेश गेंद से खेल रहा है। नहीं रमेश नहीं, उसे खेलना अच्छा लगता है उसे। तो मतलब उस वक्त जब मैं ये चीज़ देख ली स्नेक तो इतना ज़्यादा डर गई। मतलब इमेजिन करो सांप, जिसको मतलब मैं सुनी थी कि यहाँ आता है, लेकिन मेरे खुद के घर में जब देखी तो मैं इतना ज़्यादा डर गई। मेरे पैर एकदम बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, पूरे बॉडी। उस वक्त मैं वैसे सिचुएशन में नहीं थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाती, तो बहुत ही ज़्यादा मैं डरी हुई थी। इसलिए मैं लंच तो बनाई क्योंकि हस्बैंड को आफ्टरनून भी जाना था, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आई एम सो सॉरी गाइस। तो अभी जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा कुछ वेदर अच्छा है तो सोच रही हूँ कुछ कॉर्न का, या तो मैं होल कॉर्न का कुछ फ्राई बनाऊँ या तो फिर मैं पकौड़े बनाऊँ, तो देखते हैं। कोई नहीं, जाने दो। तो चलो अभी चलते हैं, कुछ बनाते हैं हेल्दी सा। और कॉर्न एक्चुअली काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है तो वही है। और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी जब ऐसा सांप देखा, तो उसको मेरे हस्बैंड भगा रहे हैं तो वो और ऐसे ऐसे स्पीड में चलने लग रहा था। बहुत छोटा सा था लेकिन वो ऐसे पता नहीं कहाँ से आ गया किचन में, किचन के सिंक के नीचे जो जाली सा है वहाँ से आया, या विंडो में थोड़ा सा छेद है वहाँ से आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा ही, तो पता नहीं कैसे हुआ। ठीक है, उसको मैंने पत्थर से मारा भी था क्योंकि वो मतलब डर लग रहा था ना, बच्चे सब वहीं पे खेलते रहते हैं सामने घर के, तो उसको जैसे तैसे मतलब एक बार मैंने पत्थर से हिट किया तो फिर पता नहीं वो कहाँ भाग गया, लेकिन उधर कहीं भाग गया था और लगभग वो मर चुका था। बहुत डर गया। एक मिनट नीरा, हाय, क्या पढ़ाई हो रही है? तुम जल्दी काउंटिंग करो, क्या कर रहे हो बताओ? मैं एबिकस कर लो, बोल बोल के। सिक्स सिक्स माइनस वन। सो गाइस, यहाँ पर उसके बाद मैं ना मतलब कुकिंग करने लग गई, फटाफट से कुकिंग कर रही थी क्योंकि आज मेरा उतना कुछ मन नहीं था आज शेयर करूँ। मैंने सोचा कि कल तो मैं फिर से व्लॉग करूँगी, तो कल मैं कुछ स्पेशल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के व्लॉग में मतलब क्या होता है, ये ना टफ होता है, अंदर ना कहीं येलो येलो मैच हो रहा है। ओह वाओ, रियली नीरा, ईवीएस टफ होता है? हां। हिंदी तो नहीं है।